जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें नाथनगर से निर्वाचित हुए जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव का निर्विरोध चयन हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक ही प्रत्याशी मिथुन कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया और जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में चुनाव संपन्न होने के बाद मिथुन यादव को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मिथुन यादव को प्रमाण पत्र सौंपा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जो रिक्त था, आज निर्वाचन की तिथि घोषित की गई थी। 11 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। काफ़ी सदस्य नहीं आए थे तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक घंटा वेट करना था। 12:01 से तक वेट करके 12:01 से अन्य प्रक्रिया शुरू की गई और सभी सदस्यों को आज निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में डिटेल में अवगत कराया गया। पुनः नाम निर्देशन हुआ और नाम निर्देशन के उपरांत पूरी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त की गई और अध्यक्ष पद का आज निर्वाचन संपन्न हुआ और जो निर्वाचित किए गए हैं उनकी घोषणा की गई, उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है, साथ ही दो शपथ पत्र है, वो शपथ ग्रहण करा करके शपथ। वहीं नव निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव ने कहा कि जनता ने उन सभी क्षेत्र के विकास के लिए चुनकर जिला परिषद में भेजा था, लेकिन क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाने से आम लोगों के साथ निर्वाचित सदस्य भी काफी परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन अब सदन के सदस्यों ने उन पर भरोसा जताकर अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी है तो उनका एकमात्र उद्देश्य भागलपुर जिला परिषद के सभी क्षेत्र में समुचित विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इधर मिथुन कुमार के जिला परिषद अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद साथी जिला परिषद सदस्य और उसके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसी के साथ जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन सा के खिलाफ कई माह पूर्व लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लंबी लड़ाई और राजनीतिक उठापटक के बीच आखिरकार सफल साबित हुआ। इस दौरान निर्वाचन के दौरान मौजूद जीप सदस्यों और उनके समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी और मिठाइयाँ भी बांटी। मिथुन यादव ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष पद पर वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इसके साथ ही उनकी जिम्मेवारी भी काफ़ी बढ़ गई है, जबकि उनके कार्यकाल में सभी पार्षद खुद को अध्यक्ष मानकर अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और उनकी तरफ से जो भी सहयोग प्रदान करना होगा उसके लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। जो कार्य पूर्व के अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ है वो सभी कार्य और नई योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाएगा। इससे पूर्व काफी दिनों से खाली पड़े जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी, जबकि इसके लिए सभी 31 सदस्यों को नोटिस भेज दिया गया था और विधिवत संबद्ध चुनाव हुआ और हम लोग डीएम साहब से और चुनाव आयोग से और कोर्ट से संतुष्ट हैं और ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग टोटल 19 आदमी आए। दौड़ेगा, काम नहीं होगा, विकास की गंगा बहेगी और वैसा वैचारिक जितने भी पार्षद हैं वो सब अपने आप को अध्यक्ष मान के काम करेंगे और हर क्षेत्र में हर जनता का एक एक विकास होना है। जितने भी विकास होंगे हर जनता उससे लाभान्वित होंगे। ये आप लोगों ने हमें जो आज बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों को भी वचन देता हूँ, विकास के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश पर रन फॉर वोट एंड रन फॉर भागलपुर कार्यक्रम के तहत दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, एनसीसी के कर्नल दिनेश कुमार पाठक, नगर निगम के सिटी मैनेजर विनय कुमार, अजय अटल और आकाश कुमार भी शामिल हुए। वहीं वोट फॉर रन एंड वोट फॉर भागलपुर कार्यक्रम से पूर्व जिलाधिकारी ने सैंडिस कंपाउंड में मौजूद लोगों के साथ जिलेवासियों को वोट का महत्व बताते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर करने की अपील की। साथ ही युवाओं, महिलाओं
और वृद्ध जनों को भी 26 अप्रैल को मतदान करने की बात कहते हुए डीएम ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के मत का मूल्य एक समान है और इसके माध्यम से हम योग्य प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि हमारे युवा समाज में क्रांति ला सकते हैं और आप अपने परिवार एवं समाज के सभी मतदाताओं को 26 अप्रैल के दिन 7 बजे से वोट करने के लिए प्रेरित करें, जिससे देश में भागलपुर की प्रतिष्ठा बढ़ सके। एसएसपी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ ठंडा पानी, शौचालय और प्रतीक्षा के लिए बैठने की व्यवस्था समेत सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा नगर आयुक्त और संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और अन्य पदाधिकारी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए चुनाव में मतदान कर देश की आजादी के लिए अपनी आहुति देने वाले शहीदों और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी और नगर आयुक्त ने वोट फॉर रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि इस दौरान जिले के युवा और अलग अलग बटालियन के एनसीसी कैडेट के साथ पदाधिकारियों ने हिस्सा लेकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया और पहले मतदान फिर जलपान, मेरा वोट मेरा अधिकार, 26 अप्रैल को वोट करेगा भागलपुर जैसे कई नारे भी लगाए गए। भागलपुर में वोटिंग के दौरान 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में आयोजित किए गए रन फॉर वोट एंड रन फॉर भागलपुर कार्यक्रम में सैंडिस कंपाउंड में दौड़ लगाई गई। साथ ही वहां पहुंचने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों से मतदान के तिथि को छुट्टी का दिन समझकर आराम करने के बजाय मतदान केंद्र जाकर वोटिंग करने की बात कही गई। मौके पर कई पदाधिकारी और भारी संख्या में कैडेट्स एवं युवा मौजूद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एसएसपी आनंद कुमार एवं वरीय अधिकारियों के साथ पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर एवं नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने मतदान कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए उनके मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम डिस्पैच करने की तैयारियों की समीक्षा की और किसी तरह की चूक नहीं हो इसके लिए हर स्तर पर सजग रहने की बात कही। निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ निर्वाचन कार्य से जुड़े कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।